टू चार 60 किलो इसका वज़न है। सेम साइज ये भी 15 फिट है, ये भी 15 फिट है, दोनों ही 15-15 फिट लेंथ है। और इन दोनों के अंदर वज़न इसका जो है वो 90 किलो है। ये बनी 5,400 रुपये की और इसका वज़न जो है दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे। मेरा नाम है मोली सिंह। मैं आपको लोहे के गेट, ग्रिल, जाली, जंगला व फाइबर शेड और प्रोफाइल शीट के शेड के बारे में अपने YouTube चैनल पे नॉलेज देता रहता हूँ। अगर आपको ये देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स को लाइक कर दें। तो आज मैं बात करूंगा इस ग्रिल के बारे में। अगर आप आने वाले कुछ समय में नया घर बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे ग्रिल, गेट ये सब लगना ही है, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाली जो ग्रिल आप देख रहे हैं, पहले इसके बारे में बताऊँगा फिर इसके बारे में बताऊँगा, तो डिटेल से बताऊँगा प्राइज, वेट, साइज सब कुछ। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें, 5 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। इसमें ऊपर 1.5-3 की पाइप लगी हुई है और अंदर सारी 1 इंची पाइप लगी है। 1.5-3 मतलब 40 mm × 75 mm, 25 mm × 25 mm की ये सारी पाइप लगी है। इसके अंदर पर रनिंग फुट ऐसे होता है लंबाई में, पर रनिंग फिट के अंदर 6 किलो वेट है। इसका साइज है 15 फिट लंबाई, 15 फीट लंबाई के अंदर इसमें 90 kg वेट है, 90 किलो। तो आज के रेट के हिसाब से 60 रुपये kg के हिसाब से, 60 रुपये kg के हिसाब से पुष्कर रिकवरी, मैं उलझ गया दोस्तों। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। तो आज के रेट के हिसाब से इसका जो पर रनिंग फिट के अंदर वेट है 6 किलो है। तो अगर आप इसको 10 फिट की बनाते हैं तो 60 किलो वज़न होगा, 15 फिट की बनाते हैं तो 90 किलो वज़न होगा। आपके शहर में क्या रेट चल रहा है वो आप मार्केट से पता करके उसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। इसमें इस ग्रिल के अंदर पर रनिंग फिट में 6 kg वज़न है। तो इसका जो हमारा अभी मौके का जो लुधियाना का रेट है वो है 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो के हिसाब से 90 किलो वज़न हुआ इसमें, आसपास 90 किलो अभी हमने किया नहीं। तो ये बनेगी 5,400 रुपये की 15 फिट, ठीक है जी। अभी करेंगे इसकी बात। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऊपर सेम पाइप है 1.5-3 का 40 mm × 40 mm और यहाँ पे जो है 10 mm का स्केयर बार लगा हुआ है और यहाँ पे 6 × 40 की पाइप ये पत्ती लगी हुई है और पीछे भी 4 सूत का चौरस सरिया लगा हुआ है, 12 mm का स्केयर बार लगा हुआ है। तो ऐसे ही इसका जो पर स्केयर फिट में, पर रनिंग फिट में वज़न है वो है 4 किलो, पर रनिंग फिट में वज़न 4 किलो। तो दोस्तों इसकी लंबाई भी 15 फिट है और इसका वेट 15 फिट × 4 60 किलो इसका वज़न है। सेम साइज ये भी 15 फिट है, ये भी 15 फिट है, दोनों ही 15-15 फिट लेंथ है। और इन दोनों के अंदर वज़न इसका जो है वो 90 किलो है। ये बनी 5,400 रुपये की और इसका वज़न जो है 60 किलो, 60 kg पर रनिंग फिट में वेट हुआ 4 किलो। तो 60 किलो टोटल वेट, 60 किलो के 3600 रुपये इसके हुए और ये बनी 5400 रुपये में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आप पर रनिंग फिट में, आपको मैंने वेट बता दिया, इसमें 6 किलो है, इसमें 4 किलो है।
तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपकी ग्रिल कितनी भी लंबी हो, कोई भी साइज हो, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं किसमें कितना वेट आएगा और आपके मार्केट का जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हर रविवार को मैं यूट्यूब पर रात को 9 बजे लाइव आता हूँ। आप मुझे अपने सवाल अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।